Hello guys, and welcome to Aficionado's Den, where we stay in class. And guys, आज जो whisky मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है Grant's Distinction. So Grant's Distinction एक बहुत ही खास whisky है दो reasons की वजह से. First reason is कि India was the market where this whisky was introduced back in 2018. And second reason is कि ये एक ऐसी स्कॉच विस्की है जो स्कॉटलैंड के अलावा इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पे इसकी बॉटलिंग होती है. सो दैट इज़ वाई मेरे हिसाब से ग्रांट्स डिस्टिंक्शन इज़ अ वेरी स्पेशल विस्की. इससे पहले कि हम और बातें करें ग्रांट्स डिस्टिंक्शन के बारे में, हम थोड़ा इसको पोर कर लेते हैं और विस्की को खुलने देते हैं. बट उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ग्रांट्स के बारे में मैं एक डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूं. तो अगर आपने जानना है ग्रांट्स के बारे में, इसको जो कंपनी ओन करती है विलियम ग्रांट्स एंड सन्स के बारे में, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और ग्रांट्स फैमिली रिजर्व का रिव्यू देखिए. तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. एक बहुत ही यूनिक से कलर कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक एंड टर्कोइश ग्रीन. सो वेरी ब्यूटीफुल पैकिंग इंडीड. चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग. एक रेगुलर बॉक्स है जैसा कि ग्रांट्स का होता है, एंड द बॉटल इज द टिपिकल ट्रायंगल बॉटल. Grant's Distinction for you. तो चलिए इसको खोलते हैं, करते हैं इसको थोड़ा सा पोर तब तक ये खुल जाए. स्क्रू कैप है एज यूजुअल. चलिए करते हैं पोर. तो इतनी देर में ये विस्की थोड़ी खुल जाती है. मैं आपको बता दूं कि ये विस्की जो है, इट इज़ मेड बाय ब्रायन किन्समैन, एंड अकॉर्डिंग टू हिम वो एक ऐसी विस्की बनाना चाहते थे जो कि फ्रूटी हो, विच शुड हैव अरोमास ऑफ कैरमल एज वेल एज वो मिक्सेबल हो. तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्रांट्स डिस्टिंक्शन बनाई है. As per him, at the heart of this whiskey, there is a single malt which gives out good aromas. तो चलिए, that's pretty much about this whiskey. चलिए, इतनी देर में ये खुल भी चुकी है, तो करते हैं इसकी nosing and tasting and let's see what this whiskey has to offer. चलिए. It's got a nice golden color to it. अच्छा golden color है. Wow. एक फ्रूटीनेस है, ओकीनेस है, वनीला के नोट्स हैं, हल्की सी कैरमली है, एक मॉल्टीनेस है इसमें, एक रेजिन का अरोमा है. दैट्स प्रीटी मच इट दैट आई कैन गेट ऑन द नोज. लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग एंड लेट्स सी कि पैलेट पे क्या असर दिखाती है. तो लेट्स गो. I would really say कि एक बहुत ही well rounded kind of smooth whisky है. Alcohol का burn बिल्कुल भी नहीं है, which is quite strange for a whisky of this segment. Yes, definitely oakiness है इसमें, हल्की सी upfront maltiness है, बहुत अच्छा raisins का flavor आ रहा है, fruitiness is there, oakiness is there. Let's get on to the second taste and let's see what this whiskey has to offer on the second taste.
दैट्स प्रेटी मच अबाउट द टेस्ट. ओकीनेस है, मॉल्टीनेस है, नाइस रेजिन केक जैसा फ्लेवर आ रहा है, वनीला, एक बहुत ही वेलवेटी सा टेक्सचर भी है इसका. बहुत अच्छी माउथ फील है, अबाउट मीडियम रेंज की माउथ फील है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ एंड द फ्लेवर इज स्टिल लिंगरिंग ऑन माई पैलेट. सो इट्स गॉट अ क्वाइट अ लॉन्ग फिनिश आई वुड से. यस, एंड वो अल्कोहल का बर्न बिल्कुल भी नहीं है. मतलब आई एम सरप्राइज टू सी कि एक अल्कोहल का बर्न होना चाहिए, बट वो बिल्कुल भी नहीं है ऑन दिस विस्की. सो दैट्स प्रेटी मच गुड, कमेंडेबल जॉब आई वुड से. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर. चलिए, डैश ऑफ वाटर. नोजिंग में मॉल्टीनेस खुल गई है ज़्यादा, और वो रेजिन केक जो था, रेजिन्स का फ्लेवर अरोमा और कैरमल का अरोमा वो खुल के आ रहा है, फ्रूटीनेस खुल के आ रही है. एक ओकीनेस जो है वो सबड्यू हो गई है, वनीला नोट्स अभी भी हैं. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग. आई मस्ट से a very small dash of water did actually enhance the flavor. और बहुत ही अच्छा एक amalgamated सा flavor हो गया इसमें. मतलब अच्छे notes आ रहे हैं raisins के और caramel के, और वो fruitiness अच्छी खुल के आ रही है. oakiness हल्की सी subdued ज़रूर हो गई है, but वो maltiness अच्छी सी खुल के आ रही है. So let's get on to the second taste after a dash of water and see what this whiskey has to offer on the second taste. I must say almost the same thing as the first taste, but yes, ek bahut hi zyada smooth ehsaas aa raha hai on the palate after a dash of water. So I would definitely say it is a very good whiskey, and if you talk about aficionados den recommendation, I would say the whiskey is as good as it is or with a dash of water. They are very good indeed. I would not deny it. Dono hi with the dash of water and without it, without anything, it is a very good whiskey. तो अगर हम एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो ऑन द प्राइस आई वुड गिव इट 8.5, एंड ऑन द टेस्ट आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 9.5. सो इस विस्की का एफिशनाडोज नंबर होता है 9. दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम एफिशनाडोज डेन टुडे. एज ऑलवेज अगर आपको कोई रिव्यू करवाना हो मुझसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और बताइए, तो मैं रिव्यू करूँगा उसका. एंड एज वी ऑलवेज से इन एफिशनाडोज डेन, stay classy and cheers.